हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में अपन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोल्केन हेलोरिन फर्स्ट चैप्टर अपना होगा। वो स्टार्ट करने से पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सी। सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्केन की। एल्केन किसे बोलते हैं? द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन ओनली सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। अब ध्यान दें, एल्केन का सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कॉमन नेम, और इस कॉमन नेम की हेल्प से ही अपन एल्किल ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम में अपन क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेम ऑफ कार्बन। कार्बन का नेम लिख देते हैं और लास्ट में सफिक्स ए यानी एन लगा देते हैं। तो जैसा कि नॉर्मली आपको पता भी है कि वन कार्बन को क्या बोला जाता है? मैथ। एक कार्बन उसे मैथ बोलते हैं। दो कार्बन उसे अपन क्या बोलते हैं? एथ। ऐसे ही तीन कार्बनों उसे अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोप। फोर कार्बनों से अपन क्या बोल सकते हैं? ब्यूट। फाइव कार्बनों से क्या बोल सकते हैं? पेंट। सिक्स कार्बनों से क्या बोल सकते हैं? हेक्स। सेवन कार्बनों से क्या बोल सकते हैं? हेप्ट। एट कार्बनों से क्या बोलते हैं? ओक्ट। नाइन कार्बनों से नॉन बोल सकते हैं, और टेन कार्बनों से क्या बोल सकते हैं? डेक। तो कॉमन नेम अपन कैसे लिखते हैं? नेम ऑफ कार्बन लिख देते हैं, मैथ है तो प्रोप, और लास्ट में सफिक्स क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। सफिक्स मतलब जो नेम के लास्ट में लगता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल से अपन डिस्कस करेंगे। सिंपलेस्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि CH4 आ रहा है आपके पास, ऐसे ही CH3 CH3, CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 CH3। वन कार्बन है, वन कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ, और लास्ट में क्या लग जाएगा? एन। तो क्या नेम हो गया इसका? मैथेन। ऐसे ही टू कार्बन आ रहे हैं तो क्या लिखें? एथ, और लास्ट में क्या जाएगा? एन, एथेन। ऐसी तीन कार्बन की चेन है तो क्या जाएगा? प्रोप, और लास्ट में क्या जाएगा? एन, प्रोपेन। ध्यान रखें, तीन कार्बन से ज्यादा की चेन यदि आ रही है, तीन या तीन से ज्यादा की स्ट्रेट चेन यदि है, तो वहां पर प्रीफिक्स एन लगा देते हैं, नॉर्मल प्रोपेन। ऐसे ही फोर कार्बन है तो क्या लिख दें? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल से अपने को पता क्या लगेगा? ध्यान रखिए, ये कॉमन नेम अपन डिस्कस कर रहे हैं, IUPAC में नॉर्मल नहीं लगता है स्ट्रेट चेन के लिए। नॉर्मल से अपने को पता क्या लगेगा? जैसे ब्यूटेन, तो ये भी है सपोज, चार कार्बन है ब्यूट लास्ट में, तो ब्यूटेन तो यहां भी लिख सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन से अपने को ये पता लगता है कि चेन कैसी है, स्ट्रेट है, ठीक है ना। ऐसे ही नॉर्मल पेंटेन लिख दे अगला, तो नॉर्मल पेंटेन का मतलब पांच कार्बन की क्या है? स्ट्रेट चेन है। ये क्या गया? नॉर्मल पेंटेन। तो कॉमन नेम में ध्यान रखिए अपन कैसे करते हैं, एल्केन का नेम कैसे लिखते हैं? नेम ऑफ कार्बन लास्ट में एन लगा देते हैं, जैसे मैथेन, एथेन। तीन कार्बन की चेन या तीन से ज्यादा किया जाए, तो वहां कॉमन नेम में प्रीफिक्स का लगाते हैं? एन लगाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि नॉर्मल से आपको क्या पता चलेगा कि चेन कैसी स्ट्रेट है। नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं, मतलब छह कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आने जा रही है आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इफ CH3 CH CH3 इज प्रेजेंट
एट द वन एंड ऑफ कार्बन चेन देन प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नेम ऑफ एल्केन. तो नोट कर सकते हैं आप इसमें साथ साथ. तो यदि आपको ये ग्रुप मिले CH3CH CH3 मिले कार्बन चेन के वन एंड पे, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स आइसो. एल्केन के नेम से पहले अपन क्या यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स आइसो. जैसे देखिएगा यहां देखिए कितने कार्बन है, कितने कार्बन यहां है, फोर कार्बन है, फोर कार्बन है. तो अपन क्या बोलेंगे ब्यूट लास्ट मेन. तो ध्यान रखिए इफ CH3CH CH3 इज प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ कार्बन चेन देन प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नेम ऑफ एल्केन. यदि ये ग्रुप आपको मिलता हो कार्बन चेन के वन एंड पे, तो अपन प्रीफिक्स क्या लगा सकते हैं, आइसो लगा सकते हैं. जैसे ध्यान दें यहां कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4. तो ब्यूट लास्ट मेन ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड तो इन लग जाता है. अब देखिए ये ग्रुप मिल रहा है यहां, तो क्या लग जाएगा प्रीफिक्स आइसो, इसका नेम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेन. ऐसे ही ध्यान दे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5. पेंट लास्ट मेन पेंटेन, लेकिन ये ग्रुप मिल रहा है आपको, देखिए ये वाला ग्रुप मिल रहा है यहां, तो क्या लग जाएगा प्रीफिक्स आइसो, आइसो पेंटेन. तो ध्यान रखिएगा कार्बन चेन के वन एंड पे यदि CH3CH CH3 ये वाला ग्रुप आपको दिखाई दे, तो वहां प्रीफिक्स क्या लगा देते हैं, आइसो लगा देते हैं. लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा ये कौन सा नेम अपन पढ़ रहे हैं, एल्केन का कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, नोट IUPAC. तो कॉमन नेम में CH3CH CH3 मिल जाए तो प्रीफिक्स आइसो यूज हो जाता है. इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे ऐसे ही आगे अपन बताते हैं. फिर इफ वन कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय एडजेसेंट फोर कार्बन एटम then prefix neo is used before the common name of alkane. एक कार्बन एटम यदि एडजेसेंट चार कार्बन से सराउंड हो, तो वहां अपन प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, न्यू लगाते हैं. देखिएगा जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां देखिए इस एग्जांपल में टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंट. तो क्या लिखे, पेंटेन लिखे, क्या नेम लिख दें, पेंटेन. अब यहां आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि एक कार्बन एडजेसेंट कितने कार्बन से सराउंड है, चार से सराउंड है, तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, नियो. तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन. ऐसे ही यहां आपको दिखाई दे रहा है टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हेग्ज लास्ट में है एन, हेग्जेन. और ये एक कार्बन एडजेसेंट चार से सराउंड है, तो क्या लगेगा, नियो, नियो हेक्सेन. तो यहां क्या नेम हो जाएगा इसका, नियो हेक्सेन.
तो कॉमन नेम में ये आपको ध्यान रखना है कि यदि एक कार्बन एटम एडजेसेंट चार कार्बन से सराउंड हो तो वहां प्रीफिक्स अपन क्या यूज करते हैं, नियो यूज करते हैं। तो कॉमन नेम में दो बातें आपको याद रखनी है, यदि ये ग्रुप मिल जाए वन एंड पे तब तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं, और वन कार्बन एडजेसेंट फोर से सराउंड हो तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, नियो लगेगा, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, इस तरीके से अपन बता सकते हैं। यहां तो ये कॉमन नेम नॉर्मली आपने देखा कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, नेम ऑफ कार्बन लास्ट में लगा देते हैं। तीन कार्बन की चेन या तीन से ज्यादा कार्बन की चेन आ रही है तो वहां पर प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल वर्ड से आपको क्या पता चलता है कि चेन कैसी है, स्ट्रेट है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एक कार्बन एडजेसेंट फोर से सराउंड होगा प्रीफिक्स क्या लगेगा, नियो लगेगा, और कार्बन चेन के वन एंड पे आपको यदि ये ग्रुप मिल जाता है CH3CH3 तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, आइसो। अब इसके बाद अपन एल्किल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एल्किल ग्रुप में जाने से पहले टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको बताते हैं। वन डिग्री कार्बन, टू डिग्री कार्बन, थ्री डिग्री कार्बन, ये कौन से होते हैं। सिमिलरली प्राइमरी हाइड्रोजन और वन डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टू डिग्री हाइड्रोजन कौन से होते हैं, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होता है, विच इज अटैच टू एडजेसेंट वन कार्बन। प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा जो एडजेसेंट एक कार्बन के टच में होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन किसे बोलेंगे, जो एडजेसेंट टू कार्बन के टच में होगा। टर्शरी कार्बन जो एडजेसेंट थ्री कार्बन के टच में होगा, उसे क्या बोल देंगे, टर्शरी कार्बन या थ्री डिग्री कार्बन बोल देंगे। फोर डिग्री कार्बन जो एडजेसेंट फोर कार्बन के टच में हो, ठीक है ना। जैसे अपन यहां देख रहे हैं ये कार्बन है, कितने कार्बन के टच में दिखाई दे रहा है आपको, ये वन के टच में, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी और वन डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन अपन देखिए कितने कार्बन के टच में है, एडजेसेंट टू के टच में, तो टू डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन कितने के टच में, एडजेसेंट वन टू थ्री, थ्री के टच में, थ्री डिग्री हो गया। ऐसे ये कार्बन कितने के टच में है, वन के टच में, तो वन डिग्री हो गया। ये कार्बन कितने के टच में है, ये कार्बन वन टू थ्री के टच में, थ्री डिग्री कार्बन हो गया। ऐसे ये कार्बन वन डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन देखिए वन टू थ्री फोर, फोर के टच में, तो फोर डिग्री कार्बन हो गया। सिमिलरली ये वन डिग्री, ये भी वन डिग्री, ये भी वन डिग्री। तो बहुत आसान है, वन डिग्री कार्बन मतलब जो एडजेसेंट वन कार्बन के टच में हो, टू डिग्री कार्बन जो एडजेसेंट टू कार्बन के टच में हो, थ्री डिग्री कार्बन जो एडजेसेंट थ्री कार्बन के टच में हो, 4 डिग्री कार्बन जो एडजेसेंट 4 कार्बन के टच में हो। अब ध्यान दें, 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, इन द हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच टू 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब आपसे पूछा जाए क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल हो सकता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डिग्री में देखिए कार्बन है पहले से ही चार से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट होगी, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता। तो 1 डिग्री कार्बन मतलब जो एडजेसेंट 1 के टच में हो, 2 डिग्री जो 2 के टच में है, 3 डिग्री कार्बन जो एडजेसेंट 3 कार्बन के टच में है, 4 डिग्री कार्बन जो एडजेसेंट 4 कार्बन के टच में हो। 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे उन्हें 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन टच में होगी उसे 2 डिग्री बोल देंगे। 3 डिग्री के टच में जो हाइड्रोजन है उसे 3 डिग्री बोल देंगे। और 4 डिग्री कार्बन से कभी कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं रहता है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे किसकी, एल्किल ग्रुप की। एल्किल ग्रुप की बात करेंगे, देखिए कोई भी एल्केन आपके पास है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है, एल्केन है, इसमें से आप वन हाइड्रोजन हटा दें, एक हाइड्रोजन, वन डिग्री नहीं बोला मैंने, क्या बोला कि एक हाइड्रोजन एटम हटा दें,
तो वन हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्किल या एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ए एल के वर्ड का मतलब हमेशा नेम ऑफ कार्बन होता है, मैथ है प्रोप, मैथ लास्ट वाइल मिथाइल, एथ लास्ट वाइल इथाइल, ऐसे ए एल के मैथ है प्रोप लास्ट बिन मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो कोई भी एल्केन है उसे एक हाइड्रोजन एटम हटा दें तो हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। जनरली एल्केन को अपन आर एच से लिखते हैं, एल्केन को आर एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हाइड्रोजन एटम यदि हटा दिया जाए तो इसे हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद क्या बनता है, आर बनता है, और आर को अपन क्या बोल देंगे, एल्किल ग्रुप। आर को क्या बोल दिया जाएगा, एल्किल ग्रुप। कोई भी एल्केन है उसमें से आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम हटा दें तो हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद जो ग्रुप बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप बोलेंगे। जैसे एल्केन को आर एच लिख सकते हैं, एच हटा दिया तो क्या बन गया, एल्किल ग्रुप बन गया आर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एल्किल ग्रुप को। अब आगे देखिएगा आप इसमें एल्किल ग्रुप कैसे कैसे बनते हैं अपन डिस्कस करेंगे। अब ध्यान देना, ये लिया ध्यान दें CH4 मैथेन, ये एल्किल ग्रुप के जो नेम है ये कॉमन नेम जब अपन कंपाउंड के लिखेंगे, जैसे एल्कोहल का कॉमन नेम लिखेंगे, कीटोन का कॉमन नेम लिखेंगे, एमीन का कॉमन नेम लिखेंगे, इथर का कॉमन नेम लिखेंगे, तो एज इट इज आपको काम आएंगे। मैथेन है, इससे एक एच आपने हटा दिया तो एक एच हटाने के बाद क्या बन गया, CH3 ग्रुप बन गया। एक एच हटाने के बाद क्या बन गया, CH3। तो इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल, मैथ लास्ट में वाई एल मिथाइल बोलेंगे, यानी वाई एल लग जाता है, एन हट जाता है और एन की जगह कौन आ जाता है, वाई एल आ जाता है, तो मैथ लास्ट में वाइल मिथाइल। तो मैथेन से एक एच जब आपने हटाया तो क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप बन गया। ऐसे ही एथेन आपके पास है, CH3 CH3, ये एथेन होता है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6। एथेन से एच हटाएं, ध्यान देना ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। ये भी कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। तो हाइड्रोजन भी क्या है, 1 डिग्री, ये भी हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री। तो इनमें से कोई सा भी हटाओ आप, एक ही बात है। तो हाइड्रोजन एटम आपने हटा दिया तो क्या बन गया, CH3 CH2, या पैसे समझ ले C2H6 से हाइड्रोजन एटम हटा दिया क्या बन गया, C2H5। तो इसे क्या बोल देंगे, एथाइल। एथेन से यदि वन हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, एथाइल बन जाता है। CH3 CH2 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, ये बात है। तो ध्यान दें कोई भी एल्केन है उसे यदि हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए तो हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे एल्किल ग्रुप अपन बोलते हैं। जैसे मैथेन से एच हटा दिया क्या बन गया, मिथाइल बन गया। एथेन से एच हटा दिया क्या बन गया, एथाइल बन गया। ऐसे ही आगे अपन देखते हैं, ध्यान दें प्रोपेन में जैसे अपन आ गया है, प्रोपेन है, प्रोपेन में आते ही आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्या कौन सा हाइड्रोजन एटम हटाएं। ये देखिए कितने डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री। ये भी कितने डिग्री हाइड्रोजन है, और ये कितने डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री। तो यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम मैंने हटाया, 1 डिग्री तो चाहे यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, एक ही बात है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाया तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, ये वैलेंसी खाली हो गई, बन गया प्रोपाइल। ये क्या बन गया, प्रोपाइल। लेकिन यदि ये 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाया जाए, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाएं तो क्या बन जाता है, CH3 CH CH3, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अभी आपको देखने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा लेकिन अभी नहीं लगेगा, देखिए इसी इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3, एक ही बात है ये। तो अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ये ग्रुप आता तो आइसो लगता है, पीछे बताया था मैंने। इसे अपन क्या, ये इस तरीके से लिख दें चाहे इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। प्रोपेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम यदि आपने हटाया तो क्या बना,
प्रोपाइल ग्रुप बना, लेकिन 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाया तो यहाँ से वैलेंसी खाली हो गई। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसको ऊपर भी ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये ग्रुप आता है तो क्या लगता है, आइसो लगता है, 3 कार्बन, तो प्रोप लास्ट में वाईएल प्रोपाइल। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम यदि हटाएं तो क्या बनता है, आइसो प्रोपाइल बनता है। 1 डिग्री हटाएं प्रोपाइल, 2 डिग्री हटा दिया आइसो प्रोपाइल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं किसमें, ब्यूटेन में चलते हैं। ब्यूटेन आपके सामने CH3 CH2 CH2 CH3। तो आप मुझे बताएं यहां से कौन कौन से हाइड्रोजन हटने की पॉसिबिलिटी है, कितने डिग्री हाइड्रोजन एटम आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम यदि हटाते हैं तब तो नेम वही रहता है, वाई एल लगता है खाली। 1 डिग्री हटा दिया CH3 CH2 CH2 CH2, ये वैलेंसी हो गई खाली, इसे बोल दिया ब्यूटाइल। लेकिन 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाएं, या तो यहां से हटेगा यहां से हटेगा। यदि 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाया जाए तो वैलेंसी यहां खाली हो जाएगी। जैसे सपोज मैं यहां से हटा रहा हूं, ये वैलेंसी हुई खाली, इसे बोल देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। या फिर यहां से हटा दो चाहे तो भी एक ही बात है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से हटा दे तो भी वही बात है, इसे भी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ही बोलेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम चाहे यहां से हटाए चाहे यहां से हटाए, एक ही बात है, ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम भी सेम है, चाहे यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो। 2 डिग्री हटाया इसलिए नाम मैंने क्या दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ले दिया, या 2 डिग्री ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं इसे। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद क्या बन जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बन जाता है। तो ब्यूटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया ब्यूटाइल, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाया क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसे ही आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। आपके पास सपोज एग्जांपल है किसका, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, बताएं मुझे कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं आइसोब्यूटेन में। 3 टाइप के, कौन कौन से 3 टाइप बताइए जरा। 2 टाइप ही है, 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, और ये क्या है 3 डिग्री। तो 2 ही टाइप के हाइड्रोजन एटम यहां पे है। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम यदि हटाया जाए, 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी यहां से ही हटाए, चाहे यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, एक ही बात है। 1 डिग्री हटाया तो नेम में कोई चेंज नहीं आता, खाली वाई एल लगता है CH3, ये वैलेंस होगी खाली। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल बन गया। लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाया जाए, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम यानी यहां से ये हाइड्रोजन एटम अपन हटाएं तो क्या बनता है, यहां से वैलेंसी खाली हो गई, इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम यदि आपने हटाया तो क्या नेम वो कब हुआ, खाली वाई एल लगा है। ध्यान रखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन यदि आप हटाते हो तो नेम में कोई चेंज नहीं आता है, खाली वाई एल लगता है, एन को हटा के वाई एल लगता है। आइसोब्यूटेन से क्या बना, आइसोब्यूटाइल। लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री है, कैसे, ये कार्बन देखिए 1 2 3 3 से सराउंड है, तो 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। ये आपने हटाया तो ये ग्रुप बन गया, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्या हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। नियो नहीं लिख सकते इसे, 4 से थोड़ी ना सराउंड है ये, एक कार्बन 4 से सराउंड होता तब नियो बोलते इसे अपन, तो या 3 से ही सराउंड दिखाई दे रहा आपको, इसे क्या बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे ही नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं।
जी कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम बताइए क्या होगा। कितने कार्बन है? फाइव कार्बन है, चार नहीं फाइव कार्बन है, साफ दिखाई दे रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो क्या लिखें इसे? पेंटेन लिखें, पेंटेन लिखा जाएगा। और एक कार्बन कितने सराउंड है? चार से, तो क्या लिखा जाएगा इसे? नियो पेंटेन। इसे अपन क्या बोल देंगे? नियो पेंटेन। अब इसमें कितने डिग्री हाइड्रोजन है बताइए मुझे? इसमें कितने डिग्री हाइड्रोजन है? सारी वन डिग्री है, वन डिग्री हाइड्रोजन एटम आपने हटा दिया, चाहे यहां से हटा दो चाहे यहां से कोई सा भी हटा दो, तो ये कौन सा ग्रुप बन जाता है? नियो पेंटाइल। कौन सा ग्रुप बन जाएगा? नियो पेंटाइल बन जाएगा। नियो पेंटेन से वन डिग्री हाइड्रोजन आपने हटा दिया, है ही इसमें वन डिग्री, दूसरा तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, सारी वन डिग्री है देखो, तो वन डिग्री हाइड्रोजन एटम आपने हटा दिया तो क्या बन गया? नियो पेंटाइल। तो ध्यान दें, कोई भी एल्केन है उससे हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद जो ग्रुप बनते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखिए कौन कौन से देखिए, एक बार थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए CH3 ग्रुप को क्या बोला जाएगा? मिथाइल, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। ऐसे ही CH3CH2 ग्रुप को क्या बोले? और C2H5 लिखा जाए इसे भी क्या बोले? एथाइल बोले। इसे भी क्या बोला जाएगा? इथाइल बोला जाएगा। ऐसे ही और आपके सामने जो भी आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं वापस आप ही से पूछ लेते हैं। CH3CH2CH2 इसे कौन सा ग्रुप बोला जाएगा? प्रोपाइल, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप इस तरीके से लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल। ये ग्रुप आता आइसो लगता है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, आइसो प्रोपाइल। ऐसे ही CH3CH2CH2CH2 ये क्या है? ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल नहीं बोलना है, वो एन ब्यूटेन कॉमन नेम में लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पर एल्किल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहां एन वेन नहीं लगता कुछ, ठीक है ना। तो ब्यूटाइल ऐसे ही यदि ये ग्रुप आ जाए, सेकेंडरी हाइड्रोजन मैंने हटा रखा है, इसको क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा हाइड्रोजन आइटम आपने हटाया था? सेकेंडरी हटाया था ना, सेकेंडरी हटा के तो ग्रुप बना था, ये तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसे ही ये ग्रुप यदि आपके सामने आ जाए इसे क्या बोला जाएगा बताइए जरा। भाई साफ साफ को दिखाई दे रहा है ब्यूटाइल है, ये चार कार्बन ब्यूटाइल, लेकिन कौन सा, कौन से कार्बन से हाइड्रोजन हटाया? थ्री डिग्री से, यानी थ्री डिग्री हाइड्रोजन हटा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ऐसे ही ये ग्रुप आ जाए जैसे, तो ये क्या होता है? पेंटाइल दिखाई दे रहा है, और एक कार्बन चार से, तो नियो पेंटाइल। तो ये कुछ एल्किल ग्रुप के बारे में अपन ने डिस्कस किया। कल की क्लास में हेलो एल्केन हेलोरिन अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।